हेलो एवरीवन, परेशान होने की नीड नहीं है। सीयूईटी का बैच आ चुका है, परेशान होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी सीयूईटी की 2023 की, उनके लिए शानदार बैच आ चुका है, और उस बैच का नाम है रैपिड बैच। अब आप लोगों को पता है 21 ऑफ मई के बाद कभी भी आपका पेपर हो जाएगा। सो फाइनली अब आपके पास 14-15 दिन है, और इस 14-15 दिन में हम लोग, हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ है, और आपको सीयूटी क्रैक करवा के ही घर भेजेंगे। चिंता चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। जो भी बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है, या फिर कर नहीं पाए, या फिर फाइनेंशियल दिक्कत थी, या टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी, या कोई भी एक्सपायर्ड रीजन था, अब वो लोग दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। दोबारा से उन लोगों को भी बीट कर सकते हैं जो लोग 1 अप्रैल से तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब हम क्लासेस लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर अभी भी आपके पास लास्ट चॉइस है, और बहुत रीजनेबल यार, बहुत रीजनेबल, मुझे ऐसा लगता है कि इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और आपको क्वालिटी, आपको बताइए कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, हमारी पूरी टीम कैसे पढ़ाती है यहाँ पर, ठीक है। तो जरा हम पहले फीचर्स की तरफ देख लेते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका यार, आप लोग पढ़ो आराम से, ज्यादा टाइम, बस 2-3 मिनट की वीडियो, और फटाफट से आप पढ़ना शुरू कर लेना। सबसे पहले 3 घंटे की रोज क्लास चलेगी भाई, 3 घंटे की मिनिमम बोली है, मैक्सिमम की बात नहीं बोल रहा। कई इंस्टीट्यूट वाले मैक्सिमम बोल देते हैं, मैक्सिमम पे नहीं मत जाना, 3 घंटे कम से कम, मतलब 3 कम से कम। आप लोग मुझसे पढ़े हो, आपको पता है 12-12 घंटे भी हमारी क्लास चलती है, ठीक है। आप लोग चिंता मत करो, 3 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वो अपने आप फिक्स कर लेंगे, ठीक है। लेकिन 3 घंटे की क्लास तो पक्का देंगे भाई, जितने भी दिन बचे हैं। कुछ भी लिखने की नीड नहीं है भाई, कुछ मत लिखना, सिर्फ पीडीएफ ले लेना, पीपीटी ले लेना, पीडीएफ ले लेना, सब कुछ ले लेना, ठीक है। डाउट सोल्व जितने भी देखो, सिलेबस नहीं होगा कोई। आप मुझसे बोलो कि यार जो बच्चा 1 अप्रैल से पढ़ रहा है, जो आपका सिलेबस है, सब डन हो जाए, बिल्कुल डन ही होगा भाई सिलेबस, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। सिलेबस डन नहीं होगा, लेकिन जितने भी डाउट है, चाहे किसी भी चैप्टर में डाउट हो, चाहे वो 12th में था, चाहे वो 12th में नहीं था, जैसे DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आपका में नहीं था, डिवेंचर रिडम्पशन नहीं था, एनपीओ नहीं था, ऐसे बहुत सी चीजें जो आपके कोर्स में नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग आपको करवाएंगे, ठीक है। जीटी पूरी, ठीक है, साथ में जीटी भी बोल रहा हूँ, ये मत सोचना, सिर्फ सीयूईटी के कॉमर्स को लेकर चलेंगे हम। आपका सीयूटी कॉमर्स प्लस जीटी दोनों की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। डाउट सॉल्विंग क्लासेस, करंट अफेयर के जितने भी नोट्स होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इतना पढ़ना है बस आपको, ठीक है। जनवरी भी छोड़ सकते हो, फरवरी से मत छोड़ना, लेकिन बुक्स बुक्स मिलेगी। देखो जो बच्चे अप्रैल से पढ़ रहे हैं, उनको हाँ पास हार्ड कॉपी है, ठीक है, आप उनसे ले सकते हो, फोटो वोटो खींच लो, क्योंकि अब आपके पास 10 दिन है, ठीक है। 10 दिन में आप क्या ही उखाड़ लोगे, ठीक है। अब लेकिन मैं उखाड़ने वाले उखाड़ देंगे भाई, चिंता करने वाली बात नहीं है। जो करने वाला बच्चा होगा, जो लगा हुआ होगा, जिसने क्लास 12th की प्रिपरेशन से करी होगी, उसको सिर्फ रिविजन चाहिए, उसको सिर्फ क्या चाहिए, रिविजन, वो हम देंगे आपको। फ्री बुक्स दे दूंगा, आर गुप्ता, समझ रहे हो, आर गुप्ता टुगेदर विद अरियन प्रभात, ठीक है। 3-4 बुक्स आपको फ्री की मिल जाएंगी, पीडीएफ में मिलेंगी, लेकिन हार्ड कॉपी में बहुत पैसे लगते हैं भाई। और आप 10 दिन के लिए किसी भी बुक को ला रहे हो तो बेकार है, ठीक है। अगला मॉक टेस्ट, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट ही है। अगर आप लोग घर पे पढ़ रहे थे, आपने पूरा अप्रैल घर पे पढ़ा है, आपने पूरी क्लास 12th अच्छे से पढ़ी है, लेकिन फिर भी जो वहां पे स्पीड चाहिए भाई, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने की जो स्पीड है, वो आपको मॉक टेस्ट से आएगी, और वो आपके लिए नेसेसरी है, ठीक है। अब यह गेस कर लेते हैं कि फीस क्या होगी। 12,000 बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा नहीं लेंगे भाई, 8,000 बिल्कुल भी नहीं, और सोचो भाई, और कम, और कम, 4,000 बिल्कुल भी नहीं। आपकी फीस है सिर्फ 2,500, सिर्फ 2,500, कॉमर्स के सारे डोमेन प्लस इंग्लिश, 2,500 कॉमर्स के सारे डोमेन प्लस इंग्लिश, साथ में अगर आप जीटी भी लेते हो तो 3,000 रुपए, अगर जीटी लेते हो तो 3,000, जीटी के साथ 3,000, और कॉमर्स के सारे डोमेन भाई सब कुछ, इंग्लिश सुन रहे हो, इंग्लिश, बीएसटी, अकाउंट्स, इको, मैथ्स, पांचों के पांचों सब्जेक्ट 2,500 में, 500 रुपए एक सब्जेक्ट, और जीटी भी डाल दो तो 3,000, इससे कम आपको कहीं मिल ही नहीं सकता यार, और इतनी सब फैसिलिटी के साथ, ठीक है। आप फटाफट से कॉल कर सकते हो इस नंबर पर, और अपना एनरोल कर सकते हो हमारे बैच के साथ। प्लस जो बच्चे, जिनको डोमेन ऐसा लगता है कि डोमेन वोमेन हमें सब आता है, बस हमें जीटी नहीं आती है, तो भाई 1,000 रुपए ले आओ, और आप जीटी पढ़ लो पूरे 15 दिन, जो भी 15 दिन है आपके। देखो सारा टॉपिक नहीं करवा सकता, बहुत सारी जीके होती है, बहुत सारी आपकी क्या नाम है, करंट अफेयर होता है, बहुत सारा आपका रीजनिंग होता है, बहुत सारा आपकी मैथ्स होती है। तो जो पार्ट चल रहा है, सिर्फ क्वान्टिटी बैच में आओगे आप, जो बैच चल रहा है चल रहा है, मॉक टेस्ट हो जाएंगे, रिविजन हो जाएगी, और कुछ एक तरीके से आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या आ रहा है भाई, कैसे पढ़ेंगे वहां पर, कैसे करेंगे। सो आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सीट बुक कर लो। बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और जगह। टाटा।